गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स या व्हाट फॉर्म्स द कास्ट कैन इफेक्ट द पॉलिटिक्स। व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉमिनेटेड the candidate from different caste as so to muster necessary support to win election। भाई जब भी कोई political party किसी candidate को nominate करती है तो उस candidate के वो सबसे पहले ये देखती है कि भाई ये candidate किस caste का है और कितने लोग, कितने percent voters इस caste से belong करते हैं। Political parties and candidate in election make appeal to caste sentiment to muster support। यानी कि election जीतने के लिए caste का नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है भाई मैं तुम्हारी caste का हूँ, तुम्हारी जात का हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। ये सब कौन करता है? ये candidate करता है और political parties appeal करती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वोट का अधिकार है और एक पर्सन की एक वोट का जो नियम है, कहता है इस नियम ने पॉलिटिकल लीडर्स को मजबूर कर दिया है कि वो लोगों को इकट्ठा करें, मोबिलाइज करें इलेक्शन जीतने के लिए। अगली बात आती है भाई कि द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, नथिंग एल्स, बट इट इज़ नॉट सो। व्हाई? हम जब देखते हैं कि कास्ट ही इलेक्शंस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? पहला पॉइंट, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंट्री एज हैज़ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। भाई हमारे देश में कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जो एक कास्ट की, जिसके पास बहुमत हो। नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए एक से ज़्यादा कास्ट के लोगों को अपील करना ही होता है। कई बार मैनी पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट द कैंडिडेट्स फ्रॉम वन कास्ट एंड मैन कास्ट, सिंगल कास्ट हैज़ मैनी कैंडिडेट्स बट सम कास्ट डोंट हैव एनी कैंडिडेट। इफ कास्ट एंड कम्युनिटी वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल देन नो सीटिंग MLA और MP वुड लूज इलेक्शन। अगर कोई सिंगल कास्ट बहुमत में होती या एक कास्ट एक ही आदमी को वोट करती तो कोई भी MLA और MP इलेक्शन नहीं हारता। अब व्हाट इज रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट? अब पॉलिटिक्स का क्या रोल है कास्ट में? पहला, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरेना। भाई पॉलिटिकल एरेना, पॉलिटिकल पावर लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी जातियों को, कास्ट को इकट्ठा कर देती हैं। एवरी कास्ट वांट्स टू बिकम बिगर और दे वांट टू मेक ए बिगर कास्ट, और उन कास्ट को इकट्ठा करती हैं जो उन्हीं में से निकली है। एक एग्जांपल था अजगर, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत,
यानी कि ये सब कास्ट जो है इकट्ठी हैं, एक जैसी ही हैं। तो एक किसी ने नाम दे दिया अजगर, तो एक बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप बन गया। वेरियस कास्ट ग्रुप इंटर इनटू अदर कास्ट और फॉर कम्युनिटी एंड इंटर इन द डायलॉग एंड नेगोशिएशन। डायलॉग और नेगोशिएशन में भी ये कई बार ये कास्ट जो है एक दूसरे का ग्रुप में आ जाती है। नए कास्ट ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड कास्ट ग्रुप और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप ये नए बन गए हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।